हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लाइटरूम ऐप की मदद से कैसे नेचुरल रियलिस्टिक टोन फोटो एडिट करें। कुछ एक टास्क से हमारी फोटो एडिट होने वाली है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको वन क्लिक में फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी गैलरी में चले आना होगा। जिस भी फोटो को आपको एडिट करना है, यहाँ पे शेयर वाले एक आइकन दिखाई दे जाएगा, यू करके एक बार पे टच कर लेना। अब लाइटरूम ऐप में आपको इसको शेयर कर लेना होगा। सो गाइस, जैसे आपकी फोटो लाइटरूम ऐप में आ जाती है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, नीचे की साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट्स वाला, यू करके एक बार पे टच कर लेना। अब गाइस, आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कलर्स वाला टूल्स दिखाई दे जाएगा, यू करके एक बार पे भी टच करिएगा। देन आपको क्या करना होगा, इसके टेम्परेचर होगा इसके घटा के -9 कर लेना होगा, एंड इसकी टिंट के घटा हुई भी -9 कर लेना होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस के अमाउंट यहाँ पे +21 कर लेना होगा। ओवरऑल गाइस, जैसे इतना हो जाता है, आपको ऊपर साइड चले आना होगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा मिक्स टूल्स का, यू करके एक बार पे टच कर लेना। अब आपके सामने यहाँ पे ढेर सारे कलर्स निकल के चले आएंगे। इन्हीं कलर्स की मदद से मैं आपको यहाँ पे टोन क्रिएट करना बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको स्किन टोन को एडजस्ट करना होगा। उसके लिए गाइस, आपको यहाँ पे सिंपली ऑरेंज कलर पे चले आना होगा। आने के बाद गाइस, करना क्या होगा, इसकी जो दे सकते हैं सैचुरेशन है, सैचुरेशन के अमाउंट को आपको -13 कर लेना होगा। एंड इसकी जो लूमिनेस है गाइस, इसके अमाउंट को यहाँ पे +75 कर लेना होगा, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो ब्राइट हो जाएगी। अभी आपको गाइस येलो कलर पे चले आना होगा, इसके ही के अमाउंट को +48 कर लेना होगा। देन यहाँ पे इसकी जो सैचुरेशन है, इसके अमाउंट के यहाँ पे +75 कर लेना होगा। एंड इसकी लूमिनेस के अमाउंट को घटा के -19 कर लेना होगा। देन यहाँ पे ग्रीन कलर पे चले आना होगा, इसके ह्यू के अमाउंट को +57 कर लेना होगा। देन इतना हो जाने के बाद गाइस, करना क्या होगा, इसकी जो सैचुरेशन है, इसके अमाउंट क्या है +100 कर लेना होगा। एंड इसकी लूमिनेस के अमाउंट को भी बढ़ा के +68 कर लेना होगा। और गाइस, जैसे इतना हो जाता है, आपको यहाँ पे सिंपली सैन कलर पे चले आना होगा। इसकी जो देख सकते हैं गाइस, सैचुरेशन है, इसके अमाउंट क्या है +100 कर लेना होगा। एंड इसकी लूमिनेस को भी बढ़ा के +15 कर लेना होगा। देन गाइस, आपको आपको सिंपली ब्लू कलर पे चले आना होगा, इसके ह्यू के अमाउंट क्या है -40 कर लेना होगा। एंड इसकी जो सैचुरेशन है गाइस, इसके अमाउंट को +100 कर लेना होगा। देन गाइस, आपको यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ से कर लेना होगा डन। अभी आपको गाइस, अपनी फोटो को लाइट्स को बढ़ाना होगा। उसके लिए गाइस, आपको यहाँ पे सिंपली लाइट्स वाले टूल्स पे टच कर लेना होगा। इसकी जो देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट है गाइस, इसके अमाउंट क्या है -20 कर लेना होगा। एंड इसकी जो देख सकते हैं गाइस, वाइट्स है, वाइट्स के अमाउंट क्या है +16 कर लेना होगा। देन गाइस, अभी आपको करना क्या होगा, इसको यहाँ से कर लेना होगा डन। अभी आपको गाइस, अपनी फोटो को बेहतरीन बनाना होगा। उसके लिए गाइस, आपको यहाँ पे सिंपली इफेक्ट्स वाले टूल्स पे चले आना होगा। आने के बाद गाइस, करना क्या होगा, इसकी जो क्लैरिटी है, इसके अमाउंट क्या है -7 कर लेना होगा। एंड इसकी डिहेंस के अमाउंट क्या है +10 कर लेना होगा। देन गाइस, अभी आपको यहाँ पे विग्नेटी पे चले आना होगा। विग्नेटी के अमाउंट क्या है -40 कर लेना होगा। देन इसकी जो देख सकते गाइस, जो फीडस है, फीडस के अमाउंट को आपको यहाँ पे कर लेना होगा +72। देन गाइस, अभी आपको इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से कर लेना होगा इसको डन। अभी आपको अपनी फोटो को स्मूथ बनाना होगा। उसके लिए गाइस, आपको यहाँ पे सिंपली डिटेल्स वाले टूल्स पे टच कर लेना होगा। इसकी शार्पनिंग के अमाउंट को गाइस, आपको +18 कर लेना होगा। एंड यहाँ पे इतना हो जाने के बाद नॉइस रिडक्शन पे आ जाना होगा, इसके अमाउंट क्या +30 कर लेना होगा। एंड कलर्स नॉइस रिडक्शन पे आने के बाद इसके अमाउंट को +20 कर लेना होगा। ओवरऑल गाइस, हमारी कंप्लीट फोटो एडिट हो चुकी है। बिफोर आप लोग यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं, देन आफ्टर आप लोग यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं। सो गाइस, अगर आपको भी वन क्लिक में फोटो एडिट करना है, तो आपको करना क्या होगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए करना क्या होगा, ऊपर साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा शेयर वाला, यू करके एक बार पे टच कर लेना। गाइस, अब आपके सामने यहाँ पे निकल के चला जाएगा सेव कॉपी डिवाइस। गाइस, अगर आप लोग अपनी फोटो को यहाँ से सेव करते हैं, तो आपकी फोटो की क्वालिटी कभी भी कटेगी नहीं। सो गाइस, फोटो एडिट कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू, टाटा एंड बाय बाय।